बदलिबो मास्टर कैंटीन छक रहिबोनी गोलेई छक हेबो चारि लेन रास्ता घोड़ा चारिपाखे हेबो भली कि भली सौंदर्यकरण मेट्रो सिटी ढांचा रे हेबो कर्व लेन तेबे नवंबर 15 सुद्धा नुआ चेहरा देखिबाकु मिलिबो तने बदलुथिबा रास्ता को नै अडुआ रे लोके बीएमसी कमिश्नर कहिले लोकंको सुविधा पई हेउछि स्मार्ट जनपद नुआ लुक पई चलचंचल स्मार्ट सिटी स्मार्ट जनपद करिबाकु जोरदार काम चलाइछि बीएमसी तार भितर ऐतिहासिक मास्टर कैंटीन छकर भी चली नवकलबर जोधा घोड़ा न हटेबाकु प्रतिवाद परे घोड़ा को रखी दिया हेउछि नुआलु बोले छक बदल रे हेबो चारि लेन रास्ता लैंडस्केपिंग सांग को ऑर्नामेंट लाइट रे छक को नुआ रूप देबाकु जोरदार चली प्रस्तुति मेट्रो सिटी ढांचा रे हेबो कर्व लेन मास्टर कैंटीन हेबो राजधानी रो मॉडल छक चारि लेन रे पाद चला रास्ता सांग को साइकिल ट्रैक भी रहिबो साधारण लोक यहाँ द्वारा उपकृत हेबे पर असुविधा भोगिबे नाही बोली कहिसेंती बीएमसी कमिश्नर इंडियन रोड कांग्रेस रो जहाँ स्टैंडर्ड अछि एवं टेक्निकली सेटा को एग्जामिन करी कि जो इंजीनियर्स मने अछंती से मने करी छंती यदि सेतरे किछि प्रॉब्लम रो संभावना अछि मु आउ थरे जो हमरो स्मार्ट सिटी रो इंजीनियर्स अछंती तांकू कहिबी सेटा को रिव्यू करिया लोकंकू असुविधा रे पकाइछि वर्तमानर स्थिति गोले छक को बंद करने सह स्टेशन को जीवाई रास्ता बंद होगा जो लोके हईराण होणीबिहार आसुवा लोक सचिवालय मार्ग को जवाकूल प्राय अध किलोमीटर बुलवाक पड़ी से स्टेशन जीवाई मुख्य रास्ता भी बंद होने लोके हईराण होती तेज सठिक भाव कम लोक अनेक सुविधा देव से स्टेशन जीवाई एंट्री और एक्जिट पॉइंट अलग हेले ट्राफिक समस्या हेबनी लोके नुआ रास्ता सह अभ्यस्त हेले समस्या हेबो नाही किंतु सठिक ढंग रे काम हेबा दरकार बोली कहिसेंती टाउन प्लानर स्वागत जोगे पदभक जे आम भुवनेश्वर शहर को चाकचक कराउची एवं नूतन ज्ञान कौशल लगे कि शहर को उन्नतिकरण कराउची सेतिपई आमे खुशी किंतु आमे देखिया अन्य पटे जेमुली भाव रे कार्य होउची से कार्य द्वारा विभिन्न समय रे लोकमानकर एक्सीडेंट रो परिमाण बहुत बढ़ुची जे आमे देखिया स्टेशन ते बाहर के आसुन मास्टर कैंटीन एटा रास्ता को अवरोध कराय एथरे ट्रैफिक डेफिनेटली फास्टर हबो बट इट इज प्योरली टू डिपेंड ऑन डिजिटल ट्रैफिक एंड फिजिकल ट्राफिक अल्सो कारण आम लोक मैंने एक्वेंटेड नुहति हठात गोटे ये हाईटेक ट्राफिक सिस्टम करवा बट वेल लाइक ये करहब जो गवर्नमेंट करुच्चा भल कथ प्रस्तर शिल्पी पद्म विभूषण सुदर्शन साहू का तत्वावधान में घोड़ा मरामती और सौंदर्यकरण काम चली पूर्वपरि घोड़ा मूर्ति से ही रोसी असुविधा होना भुवनेश्वर कैमेरामैन सुश्री सुलोचना निरूपमा बेहरा न्यूज 18 ओडिया ब्रह्मपुर आईटीआई रो बाहर पार्श्वर रही स्किल पार्क विभिन्न प्रकार अदरकारी सामग्री रे ए स्किल पार्क निर्मित होई लुहाठारो आरंभ करी गाड़ी रो विभिन्न पार्ट एवं कृत्रिम घास रे स्किल पार्क को निर्माण करिसेंती आईटीआई रो छात्र छात्री स्किल पार्क रे मोट 14 टी कलाकृति रही रास्ता पार्श्वर स्किल पार्क टी रही जो यह देखि आईटीआई रो छात्र छात्री कार्य को भूयसी प्रशंसा करिसेंती सहरवासी अधिक आलोचना करिबा सीधासळख जीवा आमर प्रतिनिधि कैलाश बेहरा निकट को कैलाश पूर्वर मध्य ब्रह्मपुर आईटीआई बहुत प्रशंसा साउंटी विभिन्न स्थान रे ए नियारा कलाकृति पई वर्तमान जो स्किल पार्क निर्माण करिछंती से नेकी सेमान कठु टिके प्रतिक्रिया जानिबा को चाहिबो एमिति प्रेरणा कोठु आसिला एवं एमिति एक नुआ चिंताधारा कोन पई देखो निहत बंदीता जेहेतु पूर्वर जहाँकि आई टी आई परिसर से माने जो छात्र छात्री मैंने अच्छे विभिन्न प्रकार अदरकारी सामग्री रे कलाकृति करते बहुत गोटे सामग्री जो कलाकृति रही है विभिन्न प्रकार रेकर्ड सामिल होता है बर्तमान स्किल पार्क अच्छे केवल स्किल पार्क नुहे बर्तमान आम आज आई टी आई परिसर एट देखुए अति सुंदर सुंदर भाव जो कृत्रिम घास रही है कृत्रिम घास अति सुंदर भाव कलाकृति कराकि समस्त आकृष्ट हो लोक मैंने सन्दे समय आस मनोरंजन कौन कह झ स्किल पार्क अच्छे कौन कौन रही है किम दिए करती कौ कौ द्वारा कौन स्किल पार्क आम वेस्ट होता मेटेरियल को लेकिन आम घास को लेकिन यहाँ आम प्रथम आम आई टी आई भितर करूँ जहाँ लोक मैंने आकर्षित हो नाते जहाँ आम आई टी आई बाहर मैंने मेन रोड सैड टाइड आम ब्रह्मपुर प्रवेश करवा एंट्री गोपालपुर जी बाहर देश में भी आस्ते लोक मैंने एपटे जावासिया करुँच बाहर आम स्किल पार्क कर देखिए बहुत दार्शनिक होती फोटोग्राफर भी करुँच सही खुशी लगुच्छे यहाँ आमको साज्य आमर
टीचर मैंने भी हमको नहीं कहते ना, मुझे बहुत खुशी लगुची। तुम जो कौन 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 जो रोची जो स्किल पार्क के कौन कौन कलाकृति रोची कितने दिन लगले इस स्किल पार्क में? गोटे मास लगले सब करवा पे आ सब भाई भौणी आम सब मिसे करछु सर मैडम भी हमको कोऑपरेट करछंदी ए सब करवा पे आ स्किल पार्क बहुत भल लागे। आईटीआई भी बहुत माने बहुत भल आईटीआई रे पढिबा अपेक्षा बहुत एते भल माने बाहर को अन्य प्लस थ्री एज करने अपेक्षा आई टी आई शीघ्र जब मिले जेहतु स्किल पार्क जो कले यहाँ कौन तुम टेक्निकाली कौन शिक्षा मिले कौन तो एद्वारा कौन हूँ आम विभिन्न प्रकार स्किल शिखिपे जमी कि वेल्डिंग आंग आ मानने लोकलोचन को जोड़ा भल लगे सेमती किसी बर्ज्यवस्तु किसी या लोकलोचन को आम देखे पार्बु आम आई टी आई परिसर को भ्रम्यमाण बनवाक आम चेषा कर छोट प्रयास जे लोक मैंने आम आई टी आई को केमती नजरिया देखिए तो यहाँ आमको बहुत स्किल जगह आम ए बहुत खुश आज्ञा कौन कहे जेहतु पूर्व परिसर मध्य आई टी आई परिसर अन्य गुड़े कलाकृति जोड़ा कि विभिन्न रेकर्ड सामिल स्किल पार्क कलाकृति करेकर्ड सामिल हो आशा रखु निश्चित रूप आमर तो ब्रह्मपुर आई टी आई जितियों अंतर्जा स्तर में बहुत कृति अर्जन करी प्रथम कौन होता है ना आम आई टी आई परिसर भितर पाखापाखि 50 स्कल्पचर गुड़ा सब रखाई जेहेतु आम ब्रह्मपुर यहाँ प्रवेश पथ से बीएमसी मिलित सहयोग में आम अध्यक्ष महोदय तत्वावधान में आम बाहर आज पाखापाखि 14-15 स्कल्पचर रखीचु जे संध्या बेले बहुत लोग ये आसिकी निजर सब फोटो उठे सेल्फी उठे नौकर जेहेतु यहाँ सब स्क्राप मेटेरियल बनाई विशेषकर आम गोटे गणेश भगवान अच्छी आउ टायर प्रोजेक्ट सब बनाई सब छोट छोट पिला आसिक देखी बहुत आकृष्ट होती आलोचना करते आई टी आई छात्र छात्री ठीक आरंभ कर शिक्षक मैंने बेस आशावादी अच्छे विभिन्न प्रकार जो स्किल पार्क जो कलाकृति रही है कलाकृति परवर्त समय विभिन्न प्रकार रेकर्ड में सामिल हो जेहतु पूर्व आई टी आई परिसर में कलाकृति करते जहाँकि विभिन्न रेकर्ड सामिल होता है और जो आई टी आई छात्र छात्री द्वारा जो कलाकृति रही गोटेपटे अदरकारी बर्ज्यवस्तु को नहीं होता बेले अंपटे जहाँकि जाकजक रही सुंदर दृश्य जहाँफल सहरवासी केवल नुह जो मैंने बाहर आह्मपुर सहर को स्किल पार्क समय टी समय अटकी जाए यह सहित आई टी आई परिसर रही जो कलाकृति रही से कलाकृति अटक जहाँकि फटो उत्तोलन कर आई टी मान जो छात्र छात्री मैंने रही शिक्षक मैंने रही जो भाव यही कलाकृति को प्रशंसा करता धन्यवाद कैलाश सविशेष आलोचना पर स्किल पार्क तो निर्मित होदरकारी सामग्री और समस्ते भूयसी प्रशंसा कर छात्र छात्री मानक उद्यम को रास्ता पार्श्वर स्किल पार्क रही जो मनोरंजन कर वर्षा पर धीरे धीरे कोरापुट रे पाद थापुची शीत जिल्लार विभिन्न स्थान रे सकाळ सकाळ घन कुहुडी रा आस्तरण देखिबा को मिलुची काकर पडुछे और ऋतु सह ताळ मिलाई निजको प्रस्तुत करछंती लोके कोविड कटकणा धीरे धीरे कोहळ हेथुबारु पडिया जिम आदि रे लोकों को भीड़ जमुची चा दुकान रे भी लागुची गहळी सेपटे कंधमाल जिले में गत किछि दिन हला शीत अनुभूत होउछि फुलबाणी रे तापमात्रा 16 डिग्री सेल्सियस रहुथिया बेले ओडिसा रा कश्मीर कहा जाउथिबा दारिंगीबाड़ी रे तापमात्रा 13 डिग्री सेल्सियस अछि घन कोहडी संग को हल्का शीतर मजा नेछन्ति सहरवासी वर्षा छाडी जिबा परे फुलबाणी समेत अनेक स्थान रे कोहडी मध्य पडिबा सह हल्का थंडा आरंभ होइ जाइछि थंडार मजा नबा पई सकाळ सकाळ सहर रास्ता रे मॉर्निंग वॉक करबा पई सहरवासी को प्रबल भीड़ जमुथिबा देखिबा को मिलुछि बॉडी को फिट रखिबा पई बहु स्थान रे लोके पडिया रे व्यायाम करथिबा देखिबा एपटे राज्य चलित दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु विदाय नुवा बेले 25 परठारु शीत आरंभ हो सारी घन कुहुडी सारा सहर ढांकी रोथिया बेले लगे जमी सफेद चांदरे घोड़े होइछि धरापृष्ठ तेज कंधमाल जिला को पहली शीत छुईवा पर सहरवासी मन में उत्साह देखा मिली प्रकृतिकर सौंदर्य और हाल्का थंडा समस्त आकृष्ट कर शीतर स्पर्श शीतर मजा नापी समस्ते चाह बस पिलाठार बुढ़ा पर्यंत समस्ते निजक फिट करने जमी समस्ते तत्पर अच्छा कंधमाल जिलार समस्त जिम सेंटर गुड़िक देखा जाऊ कि खेल पड़िया गुड़िक देखा जाऊ सबुति लोकों गहली देखा मिलूँ तेज कंधमाल जो पहली शीत रही पहली शीतर मजा किभली भाव में कंधमालवासी नौकर पर्यटन स्थल गुड़िक पर्यटक मैंने किभली नेसत पचारि बुझा आम सहित अच्छा किसी पर्यटक किसी कंधमालवासी किभली भाव में शीतर मजा ने शीत दिन किभली निजक फिट रखुँच आसतु पचारि बुझा सीधा सड़क कौन कह आज्ञा जो पहली शीत रही कंधमाल जिले में प्रथम थर पर अनुभूत होती किभली भाव में अनुभव करुँच कि भाव में मजा ने
ନେଉଛନ୍ତି? ପହିଲି ଶୀତର କନ୍ଧମାଳର ପହିଲି ଶୀତର ମଜା ବହୁତ ନେଉଛୁ। ମୁଁ ତଥା ମୋ ପରିବାର ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ବ୍ୟାୟାମ କରୁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁ। ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ଗତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଲକୁଲ ବାହାରି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଏ ପହିଲି ଶୀତରେ ଆମେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିକି ଆମେ ପୁରା ଦେହକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବରେ ଶୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି? ଶୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶୀତ ତ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ମୋ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶୀତ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ଶୀତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାୟାମ ଫ୍ୟାମ କରୁ, ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରୋଡ଼ ଫୁଲ୍ ଥାଆନ୍ତି, ଆଶା ଯାହା କରନ୍ତି, ବ୍ୟାୟାମ ଫ୍ୟାମ କରନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମର କନ୍ଧମାଳରେ ବେପାର ବଣିଜଟା ଭଲରେ ଚାଲିଛି, ବିଜନେସ୍ ଏବେ ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ଶୀତରେ ବହୁତ ବିଜନେସ୍ଟା ଚାଲିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆଉ ବେଲଘର। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ବହୁତ ସମୟ ବିତାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଏ ଶୀତ ସମୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପହିଲି ଶୀତ ରହିଛି, ପହିଲି ଶୀତର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳବାସୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ବୁଲିକି ଶୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା। ଯଦି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନ ଆସେ, ଏହି ଶୀତ ଚାରି ମାସ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହିଜାତ ଶୀର୍ଷକ ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳିଛି 67ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। ଯୁବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଫିଲ୍ମ ରୂପେ ଏହା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏନେଇ ଆଶୁତୋଷ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଏବଂ କଳାପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ଆଶୁତୋଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ପତିତପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ନେଇ ଆଶୁତୋଷ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସେ ଆହୁରି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ଆଶୁତୋଷ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଥିଲା, ମୁଁ ନିଜ କଳା ପରମ୍ପରା ଲୋକକଳା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇପାରିଲା ବା ସେଠି ମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିଲା, ତ ତା'ଠୁ ବଡ଼ର ଗର୍ବର ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ତା'ପରେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଯାଇକି ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠୁ ମାନେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସାଙ୍ଗ ପଛରେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ କାମ କରିପାରିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଯେଉଁ କାମଟା ଆଜି ସିଏ କରିଛି, ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେତିକି ଖୁସି ନାହିଁ ତାଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ମୁଁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇଥିଲାଗି ଆଜିର ଏ ଆୟୋଜନ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଉ, ଏମିତି ପୁରୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖୁ। ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ସାଧାରଣତଃ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲୋକେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିବା ଦରକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ସହରବାସୀ ଏବଂ ହବିଷ୍ୟାଳୀ। ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲାର ପରିବା ହାଟରେ ଏବେ ପନିପରିବା ଦରଦାମ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସହରର ପରିବା ହାଟଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବା ହୋଇଛି ମହଙ୍ଗା। ପରିବା ହାଟରେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଦର କିଲୋ ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ଖାଉଟିଙ୍କୁ ବାଧୁଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ପୁରା ମାସରେ ପରିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଖାଉଟିମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପରିବା ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ, ପରିବା କିଣି ହେଉନି, ଆଉ ଲୋକ କେତେ ପଇସା କମେଇବ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବ? ଫୁଲକୋବି ହେଲା 120 ଟଙ୍କା, ବଡ଼ବଟି ଖାଇବ ତ ବଡ଼ବଟି କିଏ ପଚାରିନଥାଏ, ବଡ଼ବଟି ହେଲା 80 ଟଙ୍କା କେଜି। ରାଉରକେଲା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍କେଟ କୁହାଯାଉଥିବା ଡେଲି ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗେଟ୍, ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀର ପରିବା ହାଟ ଓ ଆମ୍ବାଗାନର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଭଳି ଅନେକ ପରିବା ହାଟରେ ପରିବା ଦର ଖାଉଟିଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି। ପରିବା ହାଟରେ ବିନ୍ସ କିଲୋ ପିଛା 70ରୁ 80 ଟଙ୍କା, ଆଳୁ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା, ଦେଶୀ ଆଳୁ 40ରୁ 50 ଟଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା ଓ ସିମିଳା ଲଙ୍କାର ଦାମ 120 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଗାଜର କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା, କଞ୍ଚା କଦଳୀ 40 ଟଙ୍କା ଓ ଟମାଟୋ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ
ଦରକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକ ଓ ହବିଶାଳୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରକୁ ବିଶେଷ ପନିପରିବା ଆସୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବା ଦର ଅଧିକ ରହିଥିବା ପରିବା ବେପାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରିବା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବି ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ଏବେ ବହୁତ ପରିବାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କିଲୋ ନେବା କଥା, ଅଧା କିଲୋ ନେବା କଥା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଏ ନେଉଛୁ। ଭେଣ୍ଡିର ଚାହିଦା ହେଲାଣି 60 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଆମର ତ ଖାଲି ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧା, ଗାଜର ଏସବୁ ଦର ରହିଛି। ଦାମ ଦାମ ଦେଖ, ଗାଜର 50, ବନ୍ଧା 30, ଫୁଲ 80। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।